नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बेवड़ा ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन जिला दर्शन की क्लासें रेगुलर पढ़ रहे हैं और आज की अपनी जो जिला दर्शन की क्लास है वो क्लास नंबर 4 रहने वाली है और इसमें दुदू जिला अपन आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, अपन ने पिछली जो 3 क्लासें की है उसमें अपने राजस्थान के जितने भी जिले और संभाग थे उनके बारे में पढ़ा, साथ ही जयपुर जिला अपन ने उसमें कवर किया था 2 वीडियो में। अब आज की जो क्लास है सेशन है उस सेशन में अपन दुदू जिले को शुरू कर रहे हैं, तो अच्छे से आप इन क्लासों को नियमित रूप से पढ़ते जाइए। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें दुदू जिले की, तो दुदू जिला जो है अपने राजस्थान में एक नया जिला बनाए और ये जिला जो है किस जिले से अलग होकर बनाए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जयपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बनाए दुदू जिला। फर्स्ट बात तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है परीक्षा में कि दुदू जिला कौन से जिले से अलग होके बनाए, तो जयपुर जिले से अलग होके बनाए। कब बना था, तो 7 अगस्त 2023 से इसकी जो है अधिसूचना जारी की गई थी, तो तब से ये प्रभावी है दुदू जिला 7 अगस्त 2023 से। आगे बात करें समिति कौन सी थी, तो आपको पता है और हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि नए जिलों को गठित करने के लिए समिति जो की गई थी गठित, तो वो थी राम लुवाया समिति, तो आपको ये नाम याद रखना है। और दुदू जिला जो है अपने राजस्थान में सबसे छोटा जिला है और सबसे कम तहसीलों वाला जिला भी है। इसमें 3 तहसीलें हैं दुदू जिले के अंतर्गत, वो कौन कौन सी है, एक तो दुदू, मोजमाबाद और फागी, ये 3 तहसीलें और 3 उपखंड इस दुदू जिले के अंतर्गत हैं। अब देखिए, दुदू एकमात्र ऐसा जिला बना है जो सब डायरेक्ट ग्राम पंचायत से जिला बन गया है। नगर पालिका की इसकी जो है घोषणा हुई थी फरवरी 2023 में, लेकिन वो बना नहीं था, ओनली घोषणा हुई थी, और मार्च में तो डायरेक्ट वो जिला बन गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन परीक्षा में किया जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो डायरेक्ट ग्राम पंचायत से सीधे जिले के रूप में परिवर्तित हुआ था, तो अपना दुदू जिला है। अब सबसे छोटा जिला है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं दुदू, ठीक है, तो छोटा जिला दुदू है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि ये जिला बन गए, तो अपने को छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी इसकी या पढ़नी पड़ेगी, ताकि अपनी परीक्षा में इनसे संबंधित कोई सवाल बनता है तो अपना गलत नहीं हो। अब इसके प्राचीन नाम की बात करें दुदू की, तो दुद्धावती जो है इसका प्राचीन नाम था, ये चीज़ें अपन ने देखी है। अब बात करते आगे। अब देखिए, जयपुर जिले से अलग होके तो बना, ये अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें होगी, तो 1 विधानसभा सीट है यहाँ पर दुदू जिले के अंतर्गत अस्तित्व में आया है ये। और अभी जो वर्तमान में है इस सीट से जो है अपने प्रेमचंद बैरवा, वो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो है शपथ ली थी। आगे बात करें, आपको ये बता दिया कि 3 तहसीलें सबसे कम तहसीलें हैं और 3 ही इसमें उपखंड है, राजस्थान के अंतर्गत सबसे कम तहसीलों वाला जिला, ये सवाल बने तो आपको बताना है दुदू जिला है, ठीक है। मौजमाबाद, दुदू और फागी, ये 3 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। अब बात करें कि दुदू जिले की जो सीमा है वो किन किन जिलों से लगती है या कितने जिलों से लगती है, तो 3 जिलों से लगती है, जिसमें जयपुर ग्रामीण, टोंक और अजमेर जिलों के साथ दुदू जिले की सीमा लगती है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा दुदू के साथ नहीं लगती है, और 4 जिलों के आपको नाम दे देगा, उसमें से इन 3 के अलावा जो भी जिला है, जयपुर ग्रामीण, टोंक और अजमेर के अलावा जो जिला होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं साथ साथ में। उसके बाद देश का प्रथम ई सेवा केंद्र कहां पर खोला गया था, तो वो भी दुदू के अंतर्गत देश का प्रथम ई सेवा केंद्र शुरू किया गया था। उसके बाद इसमें दुदू में NH यानी नेशनल हाईवे 48 गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 52 परिवारों की हवेली, अगर ये सवाल बन जाए कि 52 परिवारों की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो वो दुदू के अंतर्गत स्थित है, वहाँ पर 52 परिवार यानी कि उस हवेली में 52 चूल्हे मिले थे एक साथ, तो ये माना जाता है कि वहाँ पर 52 परिवार जो है एक साथ उस हवेली में रहा करते थे। छापरवाड़ा का बांध जो है ये भी अपने दुदू के अंतर्गत आता है, छापरवाड़ा बांध
या आप याद रखना, इसका निर्माण जो है मानसिंह कछुआ मानसिंह प्रथम ने करवाया था। थोड़ा आप याद रखें इसका, छापरवाड़ा बांध। आगे बात करते हैं अब दुदू जिले से संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में कि यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें विशेष तथ्य है दुदू जिले के अंतर्गत। जैसे मौजमाबाद की बात करें, मौजमाबाद एक तहसील है, तो मानसिंह प्रथम का प्रथम की जन्म स्थली है। ये जो मौजमाबाद है मानसिंह प्रथम की जन्म स्थली है, जिसका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। मानसिंह कछुआ शासक था। और फागी तहसील की बात करें तो फागी को राजस्थान की अयोध्या नगरी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान की अयोध्या नगरी किसे कहा जाता है, तो फागी को कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कि लापोड़िया गांव, लापोड़िया गांव अब देखिए ये दुदू जिले के अंतर्गत है और ये क्यों प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण सिंह लापोड़िया यहाँ के एक व्यक्ति है, उनकी वजह से ये प्रसिद्ध है और उन्हें जो है 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो हैं अपने जल बचाव और चारागाहों के जो है विकास के लिए उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं, तो इसलिए इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लापोड़िया गांव लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर दुदू जिले का एक गाँव है नया गाँव, देश का प्रथम सोलर गाँव है, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है इस गांव में, नया गांव नाम है उसका, ये दुदू जिले के अंतर्गत अपना आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु, आधार कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वो भी अपने दुदू से शुरू की गई थी, आधार कार्ड योजना अपने राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो चोरू गाँव, चोरू गाँव का संबंध जो है अपने संत धन्ना जी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट कि चोरू गांव का संबंध किन कौन से संत से है, तो संत धन्ना जी से है। देखिए यहाँ पर अपने को बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है दुदू जिला बन गया है, तो इसकी जो बारीकी से कोई भी सवाल बना दिया जाए तो अपने को ध्यान रखना है कि उनका आंसर क्या होगा। अगला बिंदु है कि भूतों की बावड़ी, तो भूतों की बावड़ी मौजमाबाद दुदू में। अब देखिए यहाँ पर भूतों की बावड़ी आई है आज, या इससे पहले जो है बहुत भूतों का गढ़ आ गया था, भूतों की नाड़ी, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो भूतों की बावड़ी अगर पूछ ले आपको किसी एग्जाम में तो मौजमाबाद दुदू में है, ओके। अब देखिए ये जो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर भूतों से रिलेटेड, तो भूतों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले बने थे उनके बारे में बात कर देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। भूतों का गांव, तो कुलदरा गांव जैसलमेर को भूतों का गांव कहा जाता है। भूतों का गढ़, तो भानगढ़ अलवर को जो है भूतों का गढ़ माना जाता है। और भूतों की नाड़ी जो है जोधपुर में है, और भूतों की बावड़ी जो आज अपन ने पढ़ ली है दुदू के अंतर्गत मौजमाबाद में स्थित है। तो इनसे संबंधित कोई भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो इस प्रकार से आज अपना जो सबसे छोटा जिला था दुदू, उसके बारे में अपने पूरी डिटेल से पढ़ा है कि उसके अंतर्गत तीन तहसीलें हैं, तीन उपखंड हैं, ये जयपुर जिले से अलग होकर बना है। साथ ही इस जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और सबसे छोटा जिला था तो इसके नए जिले के रूप में थोड़े इसके जो है कम ही फैक्ट थे, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला जिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जिला दर्शन की प्रैक्टिस के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, और इसका सैंपल पेपर भी आपको ज्ञान विस्तार क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ से आप सैंपल टेस्ट को देकर उसके बाद ही आप इस टेस्ट सीरीज को लेना या नहीं लेना आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन और व्यक्ति के साथ इसमें सारे टेस्ट आपके ऐड हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये क्लासें होती रहेगी वैसे वैसे इसके टेस्ट भी ऐड होते रहेंगे उसमें। तो ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपनी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी है वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक मस्त रहिए, चुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।